नमस्कार, मैं प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, आज देश के विपक्षी दलों के नेताओं की बड़ी बैठक मुंबई में होने जा रही है। विपक्षी दलों के नेताओं की ये तीसरी बैठक है। पहली बैठक बिहार के राजधानी पटना में, तो दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई, और आज तीसरी बैठक जो है वो मुंबई में होने जा रही है। और आपको पूरा शेड्यूल बताने जा रहे हैं कि कब कब क्या क्या होगा इस बैठक को लेकर। देखिए, जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। और आपको मालूम है, बेंगलुरु की बैठक में फैसला लिया गया था कि गठबंधन का नाम क्या होगा, और तमाम दलों के नेताओं ने एक साथ बैठकर तय किया था कि जो विपक्ष की 26 पार्टियों का गठबंधन है, उस गठबंधन का नाम जो है वो इंडिया रखा जाएगा, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। और आज और कल की जो बैठक है, दो दिनों की जो बैठक है, इस बैठक में भी कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। वो फैसला कुछ इस प्रकार होगा, आपको बताते हैं। देखिए, एजेंडा क्या होगा ये आज के इस बैठक में तय हो सकता है। साथ ही साथ कॉन्वेनर कौन बनेगा, संयोजक कौन बनेगा, इस बात पर भी फैसला लिया जा सकता है। लेकिन शेड्यूल क्या है वो आपको बताते हैं। तो सबसे बड़ी खबर आपको दे दें, मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में विपक्षी दलों की बड़ी बैठक होगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। मुंबई के होटल ग्रैंड हयात में बैठक होने जा रही है। शाम के 6 बजे से लेकर 6:30 बजे तक जो है वो नेताओं का स्वागत होगा, जो नेता पहुंच रहे हैं। और 6:30 बजे जो है वो अनौपचारिक बैठक होगी। और 31 अगस्त यानी कि आज ही रात के 8 बजे उद्धव ठाकरे की मेजबानी में डिनर की जाएगी सभी नेताओं के साथ। 1 सितंबर यानी कि कल सुबह के 10:15 पर ग्रुप फोटो सेशन होगा। 1 सितंबर के सुबह 10:30 से दोपहर 2 बजे तक लोगों का अनावरण और इंडिया गठबंधन की बैठक चलेगी। 1 सितंबर दोपहर के 2:30 पर लंच होगा, और 3:30 पर विपक्षी नेताओं के ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी जाएगी। देखिए, इस बैठक में जो है वो कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर भी जो है वो अहम फैसला आज के इस बैठक में लिया जा सकता है। साथ ही साथ एजेंडा क्या होगा 2024 के चुनाव को लेकर आज के इस बैठक में जो है इस पर भी मुहर लगेगी और ये भी तय हो जाएगा। साथ ही साथ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इस 26 दलों के गठबंधन के बीच सहमति बन पाना उस पर, तो उस पर भी आज जो है वो चर्चा होगी, विचार होंगे। लेकिन फैसले जो हैं ये हो सकता है कि आगे किसी बैठक में लिए जाए। लेकिन आज की जो बैठक है, इस बैठक में साफ तौर पर ये रणनीति बनेगी कि कैसे और किन मुद्दों के साथ बीजेपी के खिलाफ जो है वो चुनावी मैदान में उतरना है। साथ ही साथ जो है वो कोऑर्डिनेटर कौन बनेगा, संयोजक कौन बनेगा, इस बात को लेकर भी चर्चा चल रही है। और आज जो है वो फैसला लगभग कहें तो फाइनल हो जाएगा। बिहार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचने वाले हैं, राहुल गांधी आज पहुंचेंगे, कांग्रेस की ओर से सोनिया गांधी पहुंच सकती है। साथ ही साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री आज इस बैठक में शिरकत करने वाले हैं। 5 राज्यों के मुख्यमंत्री के अलावे कुल 80 नेता जो हैं वो शामिल हो रहे हैं आज के इस बड़ी बैठक में। 80 अलग अलग दलों के नेता जो हैं वो शामिल होंगे, और विपक्ष की जो बड़ी बैठक है उस बैठक में फैसले लिए जाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन आज के इस बैठक में शामिल हो सकते हैं।